तीन ही को सरदार बनाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये सोचते पहरा दिंदे हुए फिर कहना एक बार, जिनके जात गोत कुल माही सरदारी ना पईक ताही, तीन ही को सरदार बनाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सोच खालसा पंथ दी है, एक सोच श्री गुरु गोविंद सिंह दी है, गुरु नानक दी है। इस सोच नू अगे लेके उना दी सोच ते पहरा दिंदे हुए कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी दी हाई कमांड ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, हरीश रावत जी ने, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने, एक आम आदमी नू जेड़े कहते फिरते ना आम आदमी, आम आदमी आ बैठा, आम आदमी नू जिहदे पल्ले कुछ नहीं सी, जिस घर च जमया ओदे उपर छत नहीं सी प्रॉपर, थले मेरी मां टोबे चो मैं नाल जांदा सी, टोबे विच ते सी गारा लेके आंदे सी, विच तूड़ी पा के मिला के मेरी मां ने साडा पुलिस लिखा, पांडू साडिया कंधा ते फिरदे सी। ऐसी आप मेरे फादर ने हर घर के विच टेंट लगाए शशि पाल जी। अज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नू ऐसे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साड़ी औकात पहला नहीं। राहुल मैं उपकार इन्हों का मोड़ नहीं सकता, साढ़े वो लोग जेड़े गरीबी चो उठ रहे हैं, जेड़े गरीबी चो उठ चुके हैं, जेड़े अंबेडकर की सोच के नाल अगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने दी बांह राहुल गांधी ने फड़ी। मैं अपने दिलों अपने परिवार वालों हर पंजाब के आम आदमी वालों राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, पंजाब प्रदेश कांग्रेस का, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान का स
सारे एमएलए साहबान दा, सारे कांग्रेस दा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दा, सारे के गुरु साहब ने कहा कि तुम ही के सजाए, गुरु साहब ने कहा सी कि आप ही के दिन ही के सजाए सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ पर नहीं की कृपा से सजे हम हैं। मैं भावुक हो गया, जे कोई मैं तो तुक दे विच गलती हो गई हो या वाक दे विच गलती हो गई या मेरे बोलने विच गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इन्हीं की कृपा से सजे हम नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े। ये गुरु की कृपा है, ये वाहगुरु की कृपा है, मेरी धरती चमकौर साहब की कृपा है, शहीदा सिंह की कृपा है, चमकौर साहब की धरती के लोगों की कृपा है, जिन्होंने जदों गुरु साहब के बेटिया उत्थे शहीद किया गया वो मंजर देखिया हुआ है साढ़े बजुर्गों ने। सिंह शहीद होए उस धरती तो मैं आया, मैं कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी ने पंजाब की सेवा का मौका दिता है। मैं एक गल कह दा कि मैं आम आदमी का, मैं गरीब का नुमाइंदा है, चाहे गरीब दुकानदार है, चाहे गरीब वो पिंड च बैठा मजदूर है जेड़ा रोज मजदूरी करके खांदा है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे गरीब किसान है, चाहे किसे जाति का गरीब है, मैं उन्होंने नुमाइंदा, मैं अमीरां का नुमाइंदा नहीं हूं। मैं ना उन्होंने लोगों का नुमाइंदा जेड़े सोच दे विच अपनी दे कालख रखते हैं, मैनू उही बंदे मिलन जेड़े पंजाब की सेवा करना चाहते हैं, जेड़े रेते का बिजनेस करना चाहते मैं हाथ जोड़ता मैं ना मिलना, जेड़े कोई माफिया करना चाहते मैं ना मिलना, मैं उन्होंने नुमाइंदा नहीं है। मैं रिक्शा चलाने वाले का नुमाइंदा, मैं आप रिक्शा चलाया, मेरे बापू का टेंट हाउस से मैं घर घर कुर्सियां ढोईया, मैं हर पंजाब के आम लोग का नुमाइंदा, अच्छ आम लोगों का राज पंजाब दे विच स्थापित होया, पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी का राज स्थापित होया। सुर सत्कारियो पत्रकार वीरो, मैं थोड़ा बहुत धन्यवाद करना ते मैं थोड़े तो आस रखना कि आपने रल के पंजाब की डेमोक्रेसी नू, पंजाब की आजादी नू, पंजाब के लोगों की चढ़त नू अगे लेके जाना है, पंजाब नू खुशहाल करना है, पंजाब नू तकड़ा करना है। सोने की चिड़िया है पंजाब, लेकिन मैं एक गल करना चाहता है कि खेतीबाड़ी प्रधान सूबा है पंजाब, पंजाब की खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी तो किसानों नू अपना गल बढ़ के दे दांगा, लेकिन पंजाब की किसानी ते आंच नहीं आन देगी, ये किसानों की सरकार है, किसानों दे दी हितैषी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। काले कानून वापस लैण वास्ते मैं केंद्र सरकार नू अपील कर रहा, यह किसानी डुबेगी तो पंजाब डुब जाएगा, किसानी डुबेगी तो हिंदुस्तान डुब जाएगा, किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, किसान की फसल आती है तो दुकान दे विच गाहक आता है, किसान की फसल आएगी तो मजदूर नू खेत च काम मिलता है, किसान की फसल आएगी तो किसानी का पंजाब खुशहाल होएगा, पंजाब सरकार पे असर पैंदा है। इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ी है और ऐसी सब कुछ बार नू तैयार है किसानां दे संघर्ष वास्ते, लेकिन पंजाब दे किसान नू कमजोर नहीं होण देणा। ਸਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਲਛਾ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ MLA ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਆ, 20-20 ਲੱਖ ਦੇ, 50-50 ਲੱਖ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦੇਣੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਸੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ 18 ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਰੈਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ, ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੱਲੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਹੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਅਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾਂਗਾ।
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰੈਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਾਏ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜਾਜ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਘਰ 10,000 ਫਾਲਤੂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿਆ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ, ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ, ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਆ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। DC ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ DC। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਵਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੁਪਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਾ। ਮੈਡਮ
तीन ही को सरदार बनाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये सोचते पहरा दिंदे हुए फिर कहना है तुगर जिनके जात गोत कुल माही सरदारी ना पईक ताही तीन ही को सरदार बनाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सोच खालसा पंथ दी है, एक सोच श्री गुरु गोविंद सिंह दी है, गुरु नानक दी है। इस सोच नूं अगे लेके उन्हां दी सोच ते पहरा दिंदे हुए कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी दी हाई कमांड ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, हरीश रावत जी ने, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नूं जेड़े कहते फिरते ना आम आदमी, आम आदमी आ बैठा आम आदमी नूं जिहदे पल्ले कुछ नहीं सी, जिस घर च जमया ओदे उपर छत नहीं सी प्रॉपर, थले मेरी मां टोबे जो मैं नाल जांदा सी, टोबे विच ते असी गारा लेके आंदे सी, विच तूड़ी पा के मिला के मेरी मां ने साडा पुरस लिखा, पांडू साडिया कंधा ते फिरदे सी असी। आप मेरे फादर ने हर घर टेंट लगाए शशि पाल जी। अज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नु ऐसे तक ले आके बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं। राहुल मैं उपकार इन्हों का मोड़ नहीं सकता, साडे ओ लोग जेड़े गरीबी चो उठ रहे हैं, जेड़े गरीबी चो उठ चुके हैं, जेड़े अंबेडकर की सोच के नाल अगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने दी बांह राहुल गांधी ने फड़ी। मैं अपने दिलों अपने परिवार वालों हर पंजाब के आम आदमी वालों राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, पंजाब प्रदेश कांग्रेस का, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान का, सारे MLA साहबान का, सारे कांग्रेस का, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, सारे के गुरु साहब ने कहा कि तुम ही के सजाए, गुरु साहब ने कहा कि आप ही के तीन ही के सजाए सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ पर कृपा से सजे हम हैं। मैं भावुक हो गया, जे कोई मैं तो तुक दे विच गलती हो गई हो या वाक दे विच गलती हो या मेरे बोलन च गलती हो
तब मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इन्हीं की कृपा से सजे हम नहीं। 900 गरीब करोड़ पड़े, ये गुरु की कृपा है, ये वाहगुरु की कृपा है, मेरी धरती चमकौर साहब की कृपा है, शहीदा सिंह की कृपा है, चमकौर साहब की धरती के लोगों की कृपा है, जिन्होंने जदों गुरु साहब के बेटिया उत्थे शहीद किया गया वो मंजर देखिया हुआ है साढ़े बजुर्गों ने। सिंह शहीद होए उस धरती तो मैं आया, मैनू कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी ने पंजाब की सेवा का मौका दिता है। मैं एक गल कह दा कि मैं आम आदमी का, मैं गरीब का नुमाइंदा है, चाहे गरीब दुकानदार है, चाहे गरीब वो पिंड च बैठा मजदूर है जेड़ा रोज मजदूरी करके खाता है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे गरीब किसान है, चाहे किसी जाति का गरीब है, मैं उन्हों का नुमाइंदा, मैं अमीर का नुमाइंदा नहीं हूं। मैं ना उन्हों लोगों का नुमाइंदा जेडे सोच दे विच अपनी दे कालख रखते हैं। मैनू उही बंदे मिलने जेडे पंजाब की सेवा करना चाहते हैं, जेडे रेते का बिजनेस करना चाहते, मैं हाथ जोड़ता मैं ना मिलना, जेड़े कोई माफिया करना चाहते मैं ना मिलना, मैं उन्होंने नुमाइंदा नहीं है। मैं रिक्शा चलाने वाले का नुमाइंदा, मैं आप रिक्शा चलाया, मेरे बापू का टेंट हाउस से, मैं घर घर कुर्सियां ढोईया, मैं हर पंजाब के आम लोग का नुमाइंदा। अच्छ आम लोगों का राज पंजाब दे विच स्थापित होया, पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी का राज स्थापित होया। सत्कारियो पत्रकार वीरो, मैं थोड़ा बहुत धन्यवाद करना, तो मैं थोड़े तो आस रखना कि आपने रल के पंजाब की डेमोक्रेसी, पंजाब की आजादी, पंजाब के लोगों की चढ़त को अगे लेके जाना है, पंजाब को खुशहाल करना है, पंजाब को तकड़ा करना है। सोने की चिड़िया है पंजाब, लेकिन मैं एक गल करना चाहता है कि खेतीबाड़ी प्रधान सूबा है पंजाब, पंजाब की खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी तो किसानों को अपना गल बढ़ के दे दांगा, लेकिन पंजाब की किसानी ते आंच नहीं आन देगी, ये किसानों की सरकार है, किसानों के हितैषी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार, लेकिन पंजाब की किसानी अपील कर किसानी डुबेगी तो पंजाब डुब जाएगा, किसानी डुबेगी तो हिंदुस्तान डुब जाएगा, किसानी के नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, किसान की फसल आती है तो दुकान के गाहक आता है, किसान की फसल आएगी तो मजदूर खेत च काम मिलता है, किसान की फसल आएगी तो किसानी का पंजाब खुशहाल होएगा, पंजाब सरकार पर असर पैंदा है। इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ी है, और ऐसी सब कुछ बार नूं तैयार है किसानां दे संघर्ष वास्ते, लेकिन पंजाब दे किसान नूं कमजोर नहीं होण देवां। धन करदे हैं किसान संघर्ष दा, ते अपील करदे हैं कि इन्हां नूं वापस लिया जावे जिहड़े काले कानून है, ते असीं इहदे विच 100% नेक नीति दे नाल बिना किसे बलछा रखे, बिना किसे अहुदे दे नाल। अगली मेरी बेनती है कि मैं नहीं सुनना, तो ना मेरी हाई कमांड ते मेरे लीडर सुनना चाहते, ना मेरे MLA सुनना चाहते कि पंजाब दे विच कोई रेता माफिया भी है, अज ही इहदा फैसला कर दांगे कैबिनेट दे विच, अज ही फैसला कर दांगे, जेड़ा बहुत जरूरी है किसानों का, खेतों की बिजली माफ रहे, किसान को लोड़ है,
लेकिन एक मोटर गरीबा नू पानी पिंड दे लोकां नू पानी भी दिंदी है वो भी माफ होनी चाहिए। गरीबा दा पानी माफ होएगा पिंडा दे विच ओ मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा। दस दस लाख खड़े या बीबी लाख दे पंजाह पंजाह लाख दे सारे माफ करांगे। किसे गरीब दा कनेक्शन जिदे पिछले पांच साल दे विच या दस साल दे विच किसे दा कनेक्शन कटिया गया कि दा बिल रहिंदा है वो सारे बिल माफ करके उदा कनेक्शन लगेगा। बिल दोबारे चला के बराबर कर देना बिल पाड़ देने अगे तो बिल नहीं आना ते नाल नाल बिजली दी मैं ये आम आदमी की सरकार है आम आदमी दलां करनिया सौखिया लेकिन असी उन्होंने नाल खड़ना है। ये पब्लिक लोगों की सरकार है पंजाब के लोगों की लीडर है जो काम अजे टाइम बचता से अधूरे रह गए ऐसी करा जी गल ऐसी कही है कि आ मुद्दे रहिंदे है हाई कमांड ने 18 मुद्दे दिते मुद्दे सारे हल होने हैं किसे नाल दरैत नहीं होनी है सरकार वालों कोई भी डाटा किसे नाल नहीं किसे नाल लड़ाई नहीं लेकिन गुरु वास्ते सारा कुछ आ जाए नजायज थाने च नहीं जाएगा पारदर्शी सरकार दिती जाएगी कोई थानेदार मुंशी किसी बंदे नूं नजायज तक नहीं करेगा सारिआं नूं इंसाफ मिलेगा दोषी अंदर जाणगे चाहे वह कोई भी होवे चाहे किस दा तक वड्डा होवे चाहे छोटा होवे इस सब वास्ते कानून इक यह नहीं है कि जी वड्डा आया तो सारा कुछ ठीक है तहसीलां दे विच बिल्कुल सही तरीके नाल काम चलेगा या मैं रहांगा या